अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माइक्रोमैक्स ने हाल ही में अपने दो फोन्स लॉन्च किए हैं, यानी वीडियो 1 और वीडियो 2। और ये दोनों ही फोन्स खास तौर पे वीडियो कॉलिंग फीचर के लिए बनाए गए हैं। 4G वोल्टी सपोर्ट करते हैं दोनों ही फोन्स और इनकी कीमत है लगभग 5000 रुपये। आपको आसानी से फ़ोन मिल जाएंगे मार्केट में, आप इन फोन्स खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। और इन फोन्स की खास बात यह है कि इनमें आपको गूगल डुओ नाम की एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिल रही है, जो कि एक वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन है। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ इस गूगल डुओ एप्लीकेशन का एक छोटा सा डेमो। तो अब मैं इस एप्लीकेशन पर क्लिक करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इस एप्लीकेशन पर क्लिक किया और मेरा फ्रंट कैमरा खुल गया। पर जब आप पहली बार इस फ़ोन में ये एप्लीकेशन खोलेंगे तो आपसे ये एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए बोलेगी। तो आप इस एप्लीकेशन को या तो अपना नंबर डाल के या फिर अपनी जीमेल आईडी डाल के रजिस्टर कर सकते हैं और आपके सारे कॉन्टैक्ट इसमें सिंक हो जाएंगे और आप किसी को भी कॉल कर पाएंगे। हाँ, किसी को भी नहीं, मतलब जिनके पास गूगल डुओ नाम की एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है आप उनको कॉल कर पाएंगे, जैसे दूसरी कॉलिंग वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन पर अक्सर होता है। तो मैं अपनी एप्लीकेशन खोल दिया, मैंने आपको दिखा दूँ कि आप यहाँ पे जाके सेटिंग्स देख सकते हैं इस एप्लीकेशन में और अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं जो भी आपको इसकी वाइब्रेशन चेंज करनी हो या फिर अपना फ़ोन नंबर चेंज करना हो। और अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आप अपने कॉन्टैक्ट्स देख सकते हैं, जिन जिनके पास गूगल डुओ एप्लीकेशन है उनके नंबर्स आपको यहाँ दिख जाएंगे, आप उनको कॉल कर सकते हैं। और जो ये आपके सामने नंबर फ्लैश हो रहा है ये आपको तब दिखेगा जो आप रीसेंट कॉल्स करते हैं। अगर आपने किसी को रीसेंट कॉल किया है तो उनका आइकन यहाँ पे आ जाएगा ताकि आप उनको दोबारा कॉल कर सकें। तो जैसे मैंने अपने सीनियर एडिटर मुकेश जी को कॉल किया था अभी रिसेंटली, तो उनका आइकन यहाँ बना गया है। तो अब मैं काम करता हूँ, उनको दोबारा एक बार कॉल करता हूँ और आपको इस एप्लीकेशन का डेमो भी दिखा दूँगा। हेलो मुकेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं मुकेश जी ठीक से? तो मुकेश जी के बाद मुझे आ रही है, मुकेश जी को मेरी आवाज़ आ रही है। हालांकि जो आप देख रहे हैं वीडियो क्वालिटी में थोड़ी सी खराबी दिख रही है, वो इस एप्लीकेशन की वजह से नहीं है, वो नेटवर्क की वजह से है। पर क्योंकि ये गूगल डुओ एप्लीकेशन है, गूगल की एप्लीकेशन है, तो मुझे उम्मीद थी कि ये पुअर नेटवर्क को भी अच्छे सपोर्ट करेगी। पर अगर आप इसको 2G पे चलाएंगे तो मुझे उम्मीद नहीं है कि ये 2G पे काफ़ी अच्छा काम करेगी। हमारा हाई स्पीड इंटरनेट है तो उसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम हो रही है। गूगल डुओ एप्लीकेशन अच्छे से काम करती है, आप चाहें तो ये बटन दबा के अपने जो आपके रेयर कैमरा को ऑन करके भी किसी को दिखा सकते हैं कि आपके सामने क्या सामान पड़ा है। जैसे मैंने अपना रेयर कैमरा ऑन कर दिया है, और अगर आप चाहते हैं कि आपके सामने कोई बैठा हो आप उनसे चैट कराना चाहते हैं तो आप इस बटन को दबा के रियर कैमरा को ऑन कर सकते हैं, या फिर दोबारा दबा के आप फ्रंट कैमरा ऑन कर सकते हैं। इस बटन को दबा के आप म्यूट कर सकते हैं इस वीडियो को। तो बेसिकली एक अच्छी एप्लीकेशन है। अगर आप कॉलिंग पर्पस से एक फ़ोन ढूंढ रहे थे कम बजट में 4G वोल्टी नेटवर्क वाला और आपको जिसमें एक कॉलिंग एप्लीकेशन फ्री मिल जाए, तो ये आपके लिए एक अच्छा फ़ोन साबित हो सकता है। और क्या कहना है, आप गूगल डुओ एप्लीकेशन है तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा ही होगा आईफोन।